नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक इमरजेंसी जैसी स्थिति लगी हुई है। परीक्षाओं के विभिन्न कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और आवेदन संबंधी प्रक्रिया भी अब स्थगित की जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इनमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। अब जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या बड़ी भर्तियाँ, जो संभावित भर्तियाँ, चाहे शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई और भर्ती, चाहे उसमें पुलिस की भर्ती माने या पटवारी भर्ती, क्या ये सब समय पर हो पाएगी? इसी सवालों का जवाब जानने के लिए हम डालते हैं कुछ आंकड़ों पर नज़र। पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। सबसे पहले इन प्रश्नों के जवाब जानने से पहले हम डालते हैं कुछ आंकड़ों पर कि हम सबसे पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित हो चुकी है और अभी तक ये नहीं माना जा रहा है कि ये परीक्षाएं अप्रैल एंड तक हो पाएगी, क्योंकि 15 अप्रैल तक तो इनका टाइम टेबल भी जारी नहीं होने वाला है। राजस्थान बोर्ड, यहाँ तक कि कुछ लोकल परीक्षाओं का तो सीधा आगे क्लास में एंट्री की भी बात चल रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी ओर से 3 बड़ी भर्तियाँ जो थी उनके कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, तो 2 इम्पैक्ट ये हो गए। इसके बाद आप देखिए, हाईकोर्ट भर्ती का जो नया विज्ञापन जारी हुआ था उसके आवेदन 30 मार्च से होने वाले थे। इसकी योग्यता और विशेष कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसका हमने वीडियो बनाया, वो इस वीडियो के एंड में या फिर ऊपर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न जो है वो है कि मई में होने वाली संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा क्या समय पर होगी? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की इस परीक्षा से ठीक पूर्व तक होने वाली सभी की सभी परीक्षाएं, उसमें अधिकांश कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं, वो स्थगित हो चुकी है। तो अब इस परीक्षा पर भी संदेह के बादल है, संशय की स्थिति में है। ये परीक्षा भी शायद नहीं हो पाए क्योंकि ये मई में 11 मई के आसपास प्रस्तावित है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है वो रीट भर्ती को लेकर है कि रीट भर्ती समय पर हो पाएगी। तो एक आशावादी लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी काफ़ी समय है, 2 से 3 महीने में ये हो जाती है। अगर इनके आवेदन अगर मई से स्टार्ट हो जाएं, मई 2020 से, तो फिर ये अगस्त तक संभव है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन फिलहाल इसका सिलेबस और पैटर्न को लेकर कुछ से गाइडलाइन जारी होगी, उसके बाद में इसके नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन के बाद महीने भर का समय आवेदन पत्रों में लगेगा, इसमें काफ़ी लंबा समय लगने की संभावना है। तो एक तरह से पहले भी ऐसा माना जा रहा था कि सरकार जल्द इसकी घोषणा करे, उसके बावजूद नहीं हो पा रही थी। अब इस संकटकालीन परिस्थितियों में ये सब समय पर हो पाएगा, ये संदेह की बात है। इसलिए हो सकता है कि आंशिक तौर पर ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए परीक्षा 10-20 दिन के लिए आगे पीछे हो जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये संभावनाएँ अभी बनती नजर आ रही है, लेकिन हमें टारगेट अभी भी 2 अगस्त लेकर ही चलना है। 2 अगस्त के टारगेट के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी है। इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई आपका शिकायत या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं इसी पर कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।